हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका श्री विनायक हरिओम में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह का माइक्रोस्कोप आप परचेस कर सकते हो समझ गई और साथ ही में मैंने कौन कौन से यूज कर रखे हैं और उसका क्या खूबिया और क्या खामिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस बार जो है ना माइक्रोस्कोप RF4 जो कि मैंने खरीदा है 15,500 का, जिसकी डिटेल में आप इस वीडियो में पूरी देखने वाले हो कि किस तरह से इसको सेटअप करना है, किस तरह का इसका यूज है, आपको लेना चाहिए कि नहीं, आपके काम के लिए पूरी डिटेल होने वाली है। तो दोस्तों जो इसकी पैकेजिंग है ना काफ़ी सिंपल सी है, खाकी का बॉक्स है और RF4 लिखा हुआ है और इसी की यहाँ पे स्टिकर के साथ भी कुछ डिटेल्ड लिखी हुई है। तो ज़्यादा टाइम ना गवा मैं अनबॉक्स कर देता हूँ इसको और फिर देखते हैं कि कैसा क्या है इसके अंदर का RF4 माइक्रोस्कोप जो कि मैंने लिया है 15,500 रुपये का ओनली। तो दोस्तों इसको सबसे पहले खोलते से इसकी आ जाएगी पुस्तक, जिसमें ज्ञान का भंडार है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। वो नहीं होगा इसमें तो भी इसमें वो चीज़ है जो इसमें अप्लाई होती है, अजीब अजीब सी चीज़ें जो भी है। और यहाँ पे है एक RF4 का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इस लिफाफे में सबसे पहले जो निकला है ना RF4 का कपड़ा निकला है, इससे आपके आंसू पोंछ लीजिए और थैंक यू फॉर बाय RF4 माइक्रोस्कोप। जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है इसका ये बेस है जो कि इसकी प्लेट है, जिसके ऊपर ही आपका माइक्रोस्कोप सर्फ रहेगा हमेशा। और ये काफ़ी हैवी वेट है दोस्तों, वो इसीलिए है ताकि आपका माइक्रोस्कोप है उसका बैलेंस नहीं बिगड़े और काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर माइक्रोस्कोप कसा जाए। और बस स्टील का डंडा खत्म। नाना जी असली चीज तो इसके अंदर है माइक्रोस्कोप, पर अपन पहले इसको इसके स्टैंड पे कस लेते हैं फिर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये है इसके लेंस के सपोर्टिव रबर्स जो कि इसको आपकी आई को थोड़ी लेंस से दूर रखने में मदद करेंगे, जिससे कि आपके आंखों को डस्ट नहीं लगे और इतनी ही दूरी पर आपको माइक्रोस्कोप देखना होता है दोस्तों। और साथ ही में आपके बोर्ड को जगमगाने के लिए है ये लाइट इसकी। ओह नो, वन लेंस ओनली। आई एम सॉरी बाबू। कोई बात नहीं भाई, ये जो लेंस था ना ये इसके सिर्फ नीचे का जो मेन लेंस है वो है, बाकी जो इसके लेंस है दो वो इसके अंदर मिलेंगे जहाँ पे माइक्रोस्कोप भी है इसके अंदर ही। इसको अनबॉक्स कर देता हूँ अब मैं जल्दी से। भाइयों इतनी मेहनत के बाद जब इसको दिखता है ना तो एकदम मज़ा सा ही आ जाता है, कुछ एकदम ब्रांड न्यू माइक्रोस्कोप और वो भी RF4। दोस्तों ये मेन चीज़ है, इसका कवर है जिससे कि आप इसको हमेशा ढक के रख सकते हो, जिससे कि इसमें डस्ट वगैरह नहीं पकड़ेगा ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्लीका जेल और ये इसका कैमरे वाला लेंस और साथ ही में इसका एक और लेंस जो कि ये दो लेंस है इसमें, इस तरह के कुछ इसकी फिनिशिंग देख लीजिए आप। वैसे RF4 के लेंस है तो काफ़ी बढ़िया है इसकी क्वालिटी। Ready? Yeah. तो दोस्तों माइक्रोस्कोप हो या इस तरह के कोई भी गैजेट हो काफी कॉस्टली पड़ते हैं दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको पता हो और फुल डिटेल लेने के बाद ही आप ये चीजें लें, क्योंकि ये एक वीडियो में संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी सुझाव हो या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।